बैक टू माई चैनल गाइस। तो आज मैं जा रहा हूँ स्वांकी और प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया सिलाटोप की कहानी एंड देन इंडो चाइना वार जो 1962 में हुआ था उसके बारे में बताया दिखाया आपको प्लेस। और आपने वो ब्लॉग नहीं देखा हो तो गाइस लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, यू वॉच द वीडियो, आई एम श्योर यू विल लव इट। एंड नाउ मैं जा रहा हूँ तुआंग की ओर क्योंकि तुआंग मॉनेस्ट्री आप लोगों को दिखाना है जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है, इंडिया का लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री जो नंबर वन पे आता है वो है तुआंग मॉनेस्ट्री। तो वहाँ मैं जाने वाला हूँ और इस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के साथ अपना ब्लॉग शुरुआत कर रहा हूँ। सो आई होप हर बार की तरह आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। एंड पसंद आए तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि ऐसे ही लोकेशन ब्यूटीफुल प्लेस आपको मैं दिखाता करूँगा। वीडियो को शुरुआत करते हैं। आई होप हर बार की तरह यू गाइस विल लाइक दिस वीडियो। ये देखिए गाइस व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। और मैं बता दूं गाइस आपको, मैं सिलाटोप और जसवंत सिंह वार मेमोरियल के बीच में है, वो प्लेस यहाँ पे पड़ता है। ये प्लेस काफी अच्छा लगा था गाइस तो मैं सोचा तवांग का जो ब्लॉग है यहीं से शुरुआत करूंगा गाइस। तो बने रहे गाइस, आपको मैं लेके जाने वाला हूँ तवांग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो बने रहे गाइस, आपको सीधा मिलते हैं तवांग की रोड पे और तवांग पे। बहुत ही बढ़िया, ऐसे प्लेस आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा अगर आप ऊपर की ओर आओगे तो। वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से और ये तवांग डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है ये, तो आपको ऊपर बहुत ही सारा स्पोर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। और यहीं से होते हुए तवांग जाते हैं, बस वगैरह सारा आ रहे हैं और इस खुले आसमान का आनंद लीजिए तब तक व्यू का। सारा काला काला जो देख रहे हो याक है। तो गाइस जो आगे देख रहे हैं वो है याक जो कि आपको ऐसे ठंडी जगह पे ही मिलेगा देखने को। और ये देखिए गाइस इन्होंने क्या पहना है, क्या का चमड़ा, याक का चमड़ा पहन रखा होगा, ठंड में जैकेट का काम कर रहे हैं। भाई साहब आप लोग घर बार की तरह वो भाई साहब रास्ता ब्लॉक कर रख दिया। याक भाई लोग हैं ये। सारा बर्फ गिरने के कारण ये पहाड़ सारा खाली हो रहा है, पेड़ पौधा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी क्योंकि और ऊपर से यहाँ बर्फ वगैरह भी गिरता है। आप व्यू देख सकते हैं, काफी बढ़िया, ऐसा लग रहा है लद्दाख पहुंच गया। चलो मिलते हैं गाइस आगे की ओर। गाइस बादल कितने पास पास है यहाँ से, काफी करीब बादल है, माइक का अंदाजा लगा सकते हैं आप। सो गाइस अभी हम रुके हुए हैं जंग के ऊपर और इसके नीचे ही जंग है। और रुकने का कारण गाइस यही है कि हमारा टायर जो है बहुत ही गर्म हो रखा है, धुआं निकल रहा था वहां से गर्मी के कारण, पता नहीं ज्यादा चलने के कारण होगा। सो इसके कारण हम रुके हुए हैं। अब यहाँ से डाउन लाएंगे तो जंग मिलेगा, उसके जंग के बाद हम सीधे जाने वाले। तो आपको अभी दिखाता हूँ टायर कितना गर्म हो रखा है और उसके बाद सीधा आपको यहाँ का टाइम लैप्स दिखाता हूँ। टायर कितना गर्मी है गाइस, देखिए पानी गायब, पानी गायब, इतना गर्म हो रखा है। सो इसीलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। सो मीनवाइल गाइस आप इस टाइम लैप्स का आनंद लीजिए यहाँ का व्यू का। तो गाइस मैं अभी तवांग पे पहुंच चुका हूं एंड कल रात ही मैं पहुंच गया था तवांग पे 8:30 बजे के आसपास, बट मैं कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि अंधेरा हो गया था, रात हो गया था। तो अब मेरे पास सिर्फ 2 घंटे है और 2 घंटे में मैं आपको क्या ही दिखा दूँ तवांग का टाउन वगैरह। तो गाइस मैं सोचा गाइस आपको तवांग का मॉनेस्ट्री दिखा दूँ क्योंकि ये जो मॉनेस्ट्री है ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है एंड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री आफ्टर पटोला पैलेस इन लासा जो कि टिबेट में है, उसके बाद ये सेकेंड में आता है वर्ल्ड में। सो बिगेस्ट मॉनेस्ट्री इंडिया के अंदर में सबसे बिगेस्ट मॉनेस्ट्री है ये एंड वर्ल्ड के अंदर में सेकेंड नंबर में आता है। तो सोचा आपको इस जगह का व्यू वगैरह दिखा दूँ। सो आगे जाएंगे अब धीरे धीरे। और गाइस ठंड काफ़ी है बट अभी जो मौसम में मैं आया हूँ अभी इतना ठंड वगैरह नहीं होता है, अगर आप नवम्बर दिसंबर पर आओगे तो बहुत ही ठंड होता है। और मैं चढ़ाई चढ़ के आया तो अभी थोड़ा गर्मी वगैरह लग रहा है।
देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है, बट एंट्रेंस तो यही है गाइस, तो इन लोगों को घुराना पड़ता है गाइस अब जब आते हो इस तरीके से। काफी पुराना मॉनेस्ट्री है गाइस यहीं पे, जो कि पड़ता है आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पड़ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये काफी बड़ा है गाइस, अगर आप नीचे से देखोगे तो काफी सुंदर और काफी बड़ा लगता है। सो गाइस मैं वहाँ से आया था एंड एंट्रेंस दो है आपका, एक यहाँ से होता है और आप यहाँ से जाओगे तो वहाँ से भी आपको एंट्रेंस मिल जाएगा। एंड ये जो मॉनेस्ट्री है ये आपका मेन टाउन से 2 किलोमीटर आगे एक पहाड़ पे बसा हुआ है, और आपको अभी अंदर की ओर लेके जा रहा हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, देखते हैं घूम करना चाहिए पहले। गाइस ये है एंट्रेंस आपका मॉनेस्ट्री का, और यहाँ पे कुछ डिजाइन वगैरह बनाया हुआ है, आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, बनाया हुआ है कुछ कुछ यहाँ पे बहुत ही सुंदर से। वाओ देखिए, जब आप एंटर करोगे तो ये सारा बनाया हुआ है, और ये शायद जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ पे आग में तल रहा है, किसी को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, यहाँ पे पेट बड़ा हो गया इनका, पता नहीं क्या है बट शायद मेरे हिसाब से बुरे कर्मों का फल कैसा होता है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। काफी डीप मीनिंग है इसका, खराब काम करने वाला खराब में जाएगा ना, जला दे रहा है या किसी को काट रहा है। ये जो हाल मार के गाय लोग का पिता है ना, उसको इसे करके काटेगा वो ना। अभी जो लड़के लोग जला ये करेगा ना, इधर में काम गर्म पानी डाल दे रहा है और लड़का को जो काट दे रहा है ना, धंधा करेगा उसको काट के। बहुत अच्छा से बताया, थैंक यू भाई। अब अंदर की ओर लेके चलता हूँ आपको। सो गाइस मैं यहाँ पे मॉनेस्ट्री के साइलेंस को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा बात तो नहीं कर पा रहा था, बट मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ। तवांग जो कि एक्टिविटी वर्ड्स है जिनमें से ता का मतलब होता है घोड़ा एंड वांग का मतलब होता है चुना हुआ। एक्चुअली 320 साल पुराना इस मॉनेस्ट्री का एक बेहतरीन कहानी है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह मॉनेस्ट्री बसा हुआ है और इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरीके से है। 1680 में इस मॉनेस्ट्री को मिरक लामा लोद्रे ग्यात्सो जी ने बनवाया था, और एक मान्यता के अनुसार मॉनेस्ट्री को बनाने के लिए इस प्लेस को एक घोड़ा द्वारा चुना गया था। कहा जाता है कि मिरक लामा जी को मॉनेस्ट्री बनाने के लिए अच्छा स्थान ढूंढने में काफी प्रॉब्लम हो रहा था प्लेस नहीं मिलने के कारण, और ऐसा कहा जाता है कि एक दिन वह गुफा में दिव्य शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना के बाद बाहर आए तो उनको उनका घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और वह खो गया था। तो बहुत देर तक ढूंढने के बाद वह घोड़ा एक पहाड़ की ऊंचाई पर मिला, जिसके बाद मिरक लामा जी ने वह प्लेस को भगवान के आशीर्वाद समझकर घोड़ा द्वारा चुने गए उस पहाड़ वाले प्लेस को ही तवांग मॉनेस्ट्री बनाने के लिए उन्होंने चुना। इस मॉनेस्ट्री को तिब्बती भाषा में ग्यालदेन नामगे लेत्से के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सेलेस्टियल पैराडाइज इन ए क्लियर नाइट। और इस ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट बहुत सारे प्लेस से यहाँ पे आते हैं। यह मॉनेस्ट्री 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ से तवांग का पूरा ब्यूटीफुल व्यू वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, और आप कभी दिसंबर पे आओगे तो बर्फ के कारण तवांग और भी खूबसूरत लगता है। और यह मॉनेस्ट्री को बनाने के लिए पत्थरों का यूज किया गया है, और आप कभी यहाँ पे आते हो तो दीवारों पर बहुत ही बेहतरीन कारीगरी आर्ट्स वगैरह
किया गया है दैट इज सो इनक्रेडिबल, जिसके कारण यहाँ जो भी आता है उनका मन मोह लेता है ये प्लेस। इस मोनेस्ट्री में 65 भवन है और यहाँ का मेन भवन दुखंग के नाम से जाना जाता है, जिनके अंदर भगवान बुद्ध जी का 26 फीट ऊंचा एक मूर्ति बनाया गया है। और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है जिनको परखंग के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे पुराने बुक्स वगैरह रखा गया है। तो आप कभी यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत सारे खूबसूरत प्लेसेस वगैरह देखने को मिल जाएगा, जिनमें से मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया सेला पास एंड जसवंत गढ़ वार मेमोरियल, 1962 इंडो चाइना वार प्लेस, जो आपको तवांग आते समय देखने को मिल जाएगा। और ऐसा बहुत सारा प्लेसेस है जिनको आप खुद ही अपने आंखों से देखोगे तो पता चलेगा कि यह प्लेस सच में बहुत ही खूबसूरत है। तो आपने अगर मेरा वो पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, डू वॉच द ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा एंड आगे की कहानी आप खुद ही देख लीजिए। तो गाइस ये है इंडिया का लार्जेस्ट मोनेस्ट्री जो कि पड़ता है आपका तवांग पे एंड स्टेट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। आपको ऐसे आके देखोगे तो आपको इतना बड़ा दिखने में नहीं लगेगा, बट ऐसा छोटा छोटा मोनेस्ट्री बहुत ही सारा है। और टिबेट का जो मोनेस्ट्री है वो भी इतना बड़ा तो नहीं, बस ऐसा छोटा छोटा मोनेस्ट्री वगैरह बहुत सारा है, सो उसके कारण ये बहुत ही बड़ा लगता है। तो आप देख सकते हैं गाइस ऐसा छोटा छोटा काफ़ी देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तो इतना टाइम नहीं तो मैं इतना दिखा भी नहीं पाया आप लोगों को। और यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, आप कभी आते हो तो यहाँ पे म्यूज़ियम पे ज़रूर विज़िट करना गाइस, क्योंकि जो म्यूज़ियम है गाइस वहाँ पे इतने पुराने पुराने सामान वगैरह रखा हुआ है गाइस, इतने समय से मैं जब हम हैं क्या मेरे दादाजी वगैरह भी जन्म नहीं हुए थे तब तब का वहाँ पे सामान वगैरह है, बट वहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं था। एंड लाइक मैं तो अभी ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन एंड मैं बहुत सुबह आया था तो अपना वॉलेट भूल के आया था, तो मेरे पास जस्ट फ़ोन में ही था गूगल पे वगैरह, तो मैं सोच रहा था कुछ अमाउंट वगैरह यहाँ पे मांगते तो गूगल पे करके दे दूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली कैश था म्यूजियम घुसने के लिए, सिर्फ 20 रुपीज़ रखता है। मैंने उनको कुछ भी रिक्वेस्ट भी इतना नहीं किया, उन्होंने खुद ही मेरे को जाने दिया। तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही अच्छे हैं। और एक अंकल थे नामा अंकल, उन्होंने आके बहुत अच्छी तरीके से मेरे को एक्सप्लेन किया। और ये जो गुम्बा है गाइस ये पड़ता है आपका लॉन्ग टाउन से 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की ओर, और ये पहाड़ की ओर इसीलिए बनाया गया गाइस क्योंकि पहले जो समय था वहाँ पे भूटान बॉर्डर सामने हुआ करता है, चाइना बॉर्डर सामने, तो वार वगैरह बहुत यहाँ पे आते थे लोग, तो इसीलिए इसको पहाड़ पे बनाया गया कोनार साइड पे, ताकि पीछे से कोई वार ना कर पाए, अटैक कर ना पाए। तो ये यहाँ का गाइस व्यू वगैरह आप देख सकते हैं, और आप खुद ही सोच के देखिए गाइस अभी है 2021 तो ये बनाया है 1680 में, क्योंकि बहुत ही पुराना हो चुका है गाइस ये मोनेस्ट्री। और बहुत कुछ बता रहे थे गाइस वो, लेकिन मैं इतना चित्र के सैरोप नहीं कर पाया माइंड पे। बहुत ही पुराना मोनेस्ट्री है गाइस, वॉल के अंदर सेकेंड आता है गाइस, और आप देख सकते हैं ऐसा छोटा छोटा बहुत ही आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से पूरा तवांग का आपको व्यू देखने को मिल जाएगा यहाँ से। और आप उस तरफ से देखोगे तो ये काफ़ी सुंदर लगता है गाइस देखने में, तो ऐसा छोटा छोटा आपको बहुत ही देखने को मिल जाएगा गाइस। मैं कभी दिन ज़रूर आऊँगा फिर से एक बार, इसके बारे में एक बार पढ़ना पड़ेगा मेरे को, पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, दोबारा ज़रूर आऊँगा जब बर्फ़ का मौसम होगा, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये पहाड़ के ऊपर बनाया गया है गाइस, चलते हैं आगे की ओर। सो गाइस नीचे से इस मोनेस्ट्री का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है, एंड ये बनाया है टॉप ऑफ द माउंटेन पे, सो डेट पहले जैसा वार वगैरह होता था उस वार वगैरह ना हो, इसीलिए इसको बनाया टॉप ऑफ द माउंटेन पे। और इसका हाइट है तकरीबन 10,000 फीट, और अगर मीटर में कंपेयर करो तो 3,000 मीटर समथिंग कुछ पड़ जाता है। और ये पड़ता है आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट पे, बुद्धिस्ट सिटी, टाउन का नाम भी तवांग है एंड स्टेट अरुणाचल। सो गाइस तवांग की ब्लॉग में इतना ही दिखा पाया मैं, और अगली बार टाइम मिले तो मैं दोबारा आने वाला हूँ नवंबर या दिसंबर के समय को, जब बर्फ़ वगैरह गिरता तो काफ़ी सुंदर लगता है पहाड़ वगैरह देखने के लिए। सो तब आऊँगा और अच्छे से बनाऊँगा। सो आई होप आपको
तवांग का ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब चलते हैं घर की ओर क्योंकि चाचा बुला रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।